शायद ही किसी और ने समझा होगा, राइट? हाँ, लेकिन दोस्तों स्त्री टू की कमाई देखने के बाद तो काफी सारे सेलेब्स का भी हमको जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही करण जौहर ने काफी जबरदस्त रिएक्शन देते हुए इस फिल्म के बारे में एक लंबा चौड़ा नोट लिखा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो सारी डिटेल में बात करेंगे आज किस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि तूफान मचाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिल्म जहां पे 15 अगस्त के दिन रिलीज की गई थी सभी सिनेमाघरों के अंदर, उस दिन से ही पहले दिन से ही ये जो फिल्म है कमाई करने के सारे रिकॉर्ड को पार करते हुए काफी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों घरेलू बॉक्स ऑफिस पे तो इस फिल्म ने कमाई किया ही किया है, साथ ही इस फिल्म ने विदेशों के अंदर भी काफी जबरदस्त कमाई करके हमको दिखाया है, जिसका रिजल्ट हमको ओवरऑल कमाई के ऊपर देखने को साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर बता दो तो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक अगर बात करें तो इस फिल्म ने 250 करोड़ से आंकड़ा जो काफी जल्दी पार कर लिया है। साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही जल्दी पार करते हुए आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें राजकुमार राव की एक्टिंग की, श्रद्धा कपूर की एक्टिंग की, तो वो तो सभी के दिलों पे राज करते हुए नजर आई रही है। वहीं दोस्तों अगर इसके 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जहां पे इसने अपने ओपनिंग डे पे 76 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ली थी, वहीं दूसरे दिन पे इस फिल्म ने 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, तीसरे दिन पे इसने 54 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हुए दिखाई दी, वहीं चौथे दिन पे इस फिल्म ने 60 करोड़ की लगभग कमाई की, वहीं पांचवे दिन इस फिल्म का ग्राफ थोड़ा सा गिरा लेकिन वहां पे भी इस फिल्म ने 38 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। लेकिन दोस्तों छठे दिन यानी मंगलवार का ग्राफ हमको थोड़ा सा कम और होता हुआ दिखाई दिया। इस फिल्म ने इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं तो मात्र 16 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई है। लेकिन दोस्तों ये सारे कलेक्शन देखने के बाद ये आप कभी भी नहीं सोच सकते कि जो फिल्म है अपने आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसी कमाई करेगी। बाकी दोस्तों अगर बता दूं तो ये जो फिल्म है उसकी जो कमाई है और उठते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि काफी लंबे वीकेंड के बाद जो है लोगों को ऑफिस जाने का दिन था तो इसलिए वो लोग ऑफिस गए। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो दूसरा आपको वीकेंड देखने को मिलेगा वहां पे इस फिल्म की जो कमाई है काफी जबरदस्त होती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। वही दोस्तों करण जौहर की बात करें तो इस फिल्म को लेकर के काफी जबरदस्त रिएक्शन उनका हमको देखने को मिला है। आपको बताओ तो करण जौहर ने स्त्री 2 की खूब तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा जो नोट लिखा है। करण जौहर ने लिखा स्त्री 2 की जबरदस्त झनाटेदार मेगा वॉट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो फिल्म है वो छोटे बजट की फिल्म होकर के काफी जबरदस्त कमाई करते हुए दिखाई दे रही है बॉलीवुड के अंदर। वहीं दोस्तों करण जौहर इतने पे ही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि हमको जो बॉलीवुड है कुछ सालों से काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमको बॉक्स ऑफिस पे टिके रहने के लिए, कमाई करने के लिए, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने वो सारी चीजें को पूरी करते हुए हमको काफी खुशी दिलाई है कि ये जो फिल्म है आज भी बॉलीवुड के अंदर जिंदा है और लोग जो है बॉलीवुड को उतना ही पसंद करते जितना वो पहले करते थे। तो दोस्तों करण जौहर नहीं, इतना तो हमें भी पता चल रहा है कि करण जौहर सीधा सीधा अपनी फिल्मों को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन हमको देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो हमको यही लग रहा है कि आने वाले लंबे समय तक ये जो फिल्म है आपको थिएटर के अंदर टिक करके देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों इसी के साथ ही रिलीज हुई अक्षय कुमार की खेल खेल में, और वहीं जॉनी इब्राहिम की वेदा जो कि थिएटर के बाहर होती हुई आपको नजर आने वाली है, क्योंकि फिलहाल में इस फिल्म की जो कमाई है हमको होती हुई कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, और जितना भी हमको चारों तरफ से तारीफें सुनने को मिल रही है वो सिर्फ स्त्री 2 का ही देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्त्री 2 ने बॉलीवुड के अंदर काफी पकड़ मजबूत जो है अपनी बना ली है और थिएटर के अंदर आपको जबरदस्त कमाई करते हुए आपको आगे भी दिखाई देने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपने थिएटर के अंदर जाके इस फिल्म को देखा है और नहीं देखा तो जाकर के फटाफट देख के हमको अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।